आनंदी गोपाल भारत की प्रथम महिला डॉक्टर। आनंदी गोपाल भारत के सामाजिक सुधार के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना। आनंदी गोपाल सामाजिक विरोध और क्रोध की परवाह किए बगैर भविष्य की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम। 19वीं सदी के रूढ़िवादी समाज में छिड़े एक अनूठे संघर्ष की कहानी आनंदी गोपाल। रूढ़ियों नियमों का घेरा, रूढ़ियों नियमों का घेरा, अंधियारे का रास्ता सारा, अंधियारे का रास्ता सारा, ऐसे में पला अंगारा। मारी घुट घुट कर जीती थी नारी, ऐसे में जली चिंगारी। आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, सागर के अंतर की अग्नि, आंसू की एक बूंद निजानी, दोनों की अद्वैत कहानी। आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। मैं दादी को, दादी गई चूल्हे में, मैं बंबई से पुस्तकें मंगवाता हूँ, उन्हें फेंक देती हो। तुम्हें पढ़ना है कि नहीं? नहीं पढ़ना है तुम्हें? ये तो, ये क्या कर रहे हैं आप? मारिए मत उसे, अब इस तरह मारना ठीक नहीं है। मुझे सिखाने का प्रयास तो कीजिए। कैसे समझाऊं आपको, यमु के दिन चढ़ गए हैं। वो मां बनने वाली है, मुझसे भूल हुई, अब दोबारा कभी नहीं। मैं आज तो तुम राजकुमारी अलेक्जेंड्रा लग रही हो। मैं
अंगूठी निकली है। अंगूठी? यानी यानी बेटी होगी। बेटी तो मैं भी चाहता हूँ, बेटी को मैं बहुत पढ़ाऊंगा, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। कल शाम तैयार रहना, हमें जाना है। सत्यनारायण की पूजा में नहीं जा रहे, घूमने जा रहे हैं। ये नथ उतार कर रख दो। ये क्या हो रहा है? वो नथ रख दीजिए, हम घूमने जा रहे हैं। घूमने? यमु को लेकर? उसी को तो घुमाने ले जा रहा हूं। मैं समझी नहीं। इसकी आपको आवश्यकता भी नहीं। जोशी जी, सैर करने निकले हो? जी हाँ, कहिए तो लौटते समय आपके लिए खांसी की दवाई लेता हूं। लक्ष्मी बाई, आनंदी बाई को देखा? कहीं जा रही है। हाय राम, जोशी जी के साथ जा रही है। सुनो, जैसे इन्हीं की आनंदी रानी को दिन चढ़ गए हैं। अरे, हमारे इनको तो बेटे के जन्म के बाद पता चला था। क्या? कि मैं पेट से थी। मैं पानी के पास जाऊं? इसमें पूछने की क्या बात है? पानी में खेलना अच्छा लगता है। आओ, यहां रेत में बैठे। कितना विशाल है ना समुद्र? जानती हो समुद्र कहां तक फैला हुआ है? वहां तक। वहां तक पहुंचोगी तो पता चलेगा समुद्र और भी आगे फैला हुआ है, और आगे बढ़ोगी तो पता चलेगा समुद्र और भी आगे फैला हुआ है। ज्ञान भी समुद्र की तरह है। पढ़ोगी तो पता चलेगा पढ़ने के लिए और भी बहुत बाकी है, और पढ़ोगी तो पता चलेगा और भी बाकी है। कभी समाप्त न होने वाला समुद्र। मैं चाहता हूं तुम बहुत पढ़ो, हजारों पुस्तकें पढ़ो, संस्कृत, अंग्रेजी। अंग्रेजी? ज्ञान के समुद्र में निकलना है तो अंग्रेजी की नाव चाहिए। एनीवन हु विशेस टू गेन नॉलेज ऑफ साइंस और हिस्ट्री कैन नॉट लर्न मोर देन द रुडिमेंट्स ऑफ दैट नॉलेज थ्रू एन इंडियन लैंग्वेज।
है क्या? देखने का मजा कुछ और ही है। अब बताइए भी, हम तो समझे थे जोशी जी अपनी स्त्री को गोद में उठा ही लेंगे। वो पोस्ट मास्टर जोशी जी, क्या उन्होंने अपनी स्त्री को गोद में उठा लिया? हाट की सड़क पे कांटा जो चुभ गया था पाँव में। कांटा नहीं जी, अलीबाग का कंकड़ होगा कंकड़। बस अब बहुत हो गया, ये थाना कल्याण का चाल चलन इस अलीबाग में नहीं चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जरूर कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ये तुम्हारे लिए है, पहनो। ये वो क्या कर रहे हो? अब धर्म को डुबो कर रख दोगे? इनकी तो बुद्धि है ही भ्रष्ट। बहुत अच्छा, जूते पहनने से पैर बच जाते हैं मगर धर्म डूब जाता है। हे भगवान, क्या क्या लीला दिखाएंगे इस बुढ़िया को। पति पत्नी को जूता पहन के घुमाने ले जाएगा और अनजान जूता पहन के घूमेगी। घोर कलयुग आ गया है। कलयुग की सड़कों पर भी कंकड़ छुपते हैं। किंतु तुम्हें मेरी बात माननी है कि नहीं? चलो। आज जूते पहनकर घूमने जाएंगी। आवाज भी कितनी प्यारी है, जैसे कोठे वालियों के घुंघरू। तो क्यों गई? कुत्तों को भौंकने दो, चलो। आज कंकड़ नहीं चुभे होंगे। क्या हुआ? सब लोग हंस रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? स्त्रियों का जूते पहनना अच्छा नहीं समझा जाता, केवल कोठे वालियां पहनती हैं। ये किसने कहा? वो लक्ष्मीबाई कह रही थी। दादी को भी तो अच्छा नहीं लगा। ये रूढ़ियां, ये नियम पुराने खुर्राटों ने बनाए हैं, इसके पीछे इनका स्वार्थ होता है। स्त्रियां जूते नहीं पहनेंगी जिससे वे घर के बाहर ही न जा सकें। स्त्रियां और शूद्र वेद नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये लोग उन पर अपना अधिकार नहीं चला सकेंगे। तुम ऐसी प्रथाओं से कभी न डरना, लोगों से भी नहीं। खूब जूते चटकाते हुए चलना। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? देखिए, गांव को आपका चाल चलन ठीक नहीं लगता और आप स्त्री को लेके घूमने जाते हैं। अपनी स्त्री को लेकर जाता हूँ। और आजकल वो जूते भी पहनने लगी है। मैं अपने पैसे से लाया हूँ और जूते मेरी अपनी स्त्री पहनती है, किसी और की। बस बस बस, जोशी जी आपको गांव में रखेंगे ना तो हमारी बहू बेटियों का चाल चलन बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ, हम आपको गांव में नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे? मुझे सरकार ने यहाँ भेजा है और सरकारी आदमी को गाँव से बाहर कर देंगे तो परिणाम क्या होगा जानते हैं आप? और याद रहे, मेरे किसी मामले में कोई भी आदमी दखल नहीं देगा। तड़प रही
को बुलाना होगा। हाँ, मैं अभी आया, आप उसके साथ अंदर रुकिए। डेनमार्क की राजकुमारी अलेक्जेंड्रा का जन्म 1844 में कोपेनहेगन में मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु सिकंदर ने विश्व विजय करने की ठान ली। धरुनान ईरान काबुल होता हुआ एशिया सिकंदर अफ्रीका रामा रामा प्रथमा धरती गोल है ये पहली बार कहा था एलिफेंट। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ग्रंथ मनुष्य के महान गुरु है। बेटा हुआ है चाहते थे ना। बेटी होती तो उसे बहुत पढ़ाता। हम इसे पढ़ाएंगे। लड़के तो पढ़ते ही हैं। आप नाराज हैं? नहीं, मुझे तो तुम्हारी चिंता थी। ये कोई मां बनने की आयु नहीं होती। गोरे गोरे मुन्ने राजा नहा धो के आ गए, दूध पीने आ गए। दूध पिलाओ से भूख लगी है। पी चुका मुन्ना, उसका रोना धोना हो गया। दूध पी चुका, अब सो रहा है। अब तुम क्या करोगी? मैं? अब तुम रोना धोना शुरू कर दो। शुभ शुभ बोलिए, घर में नन्हा बच्चा है। बच्चा है तो क्या लेकर बैठी रहेगी? पढ़ेगी नहीं? नहीं पढ़ेगी। जच्चा को पुस्तक पढ़ने के लिए कहते हैं, नहीं पढ़ेगी वो। नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ेगी। नहीं पढ़ेगी। ये लीजिए, ले जाइए, चला दीजिए इन्हें। सुनिए तो क्रिया गर्म करके आया पुस्तकों का। तट पर तमाशा नहीं होता। अजी रुकिए, जच्चा बच्चा सभी दिखाई देंगे समुद्र की हवा खाते हुए। कई दिनों से कोई पार्सल भी नहीं आया। अब कैसा पार्सल और कैसी पुस्तकें,
देसी साहब बनने चले थे बस। दो दो घंटे बाद दूध में मिलाकर इसे पिलाइए, ठीक है? अब मैं चलता हूं। गर्भवती को समुद्र तट पर घुमाने का परिणाम है ये। क्या हुआ इसे? मुन्ने का शरीर तप रहा है सुबह से। इसे तो ज्वर है। क्या हुआ मेरे मुन्ने को? रो मत, वैद्य ने दवाई दी है ना। ज्वर नहीं उतरा तो मैं क्या करूं? आप वैद्य हैं, आप दवा दे सकते हैं। कल आपने दवा दी थी। कल मैंने भूल की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? वैद्य जी, आप जल्दी चलिए, मेरा बच्चा। क्षमा कीजिए, मैं नहीं आ सकता। किंतु क्यों? पंचायत ने जो मना किया है। वैद्य जी, बच्चे के प्राण पंचायत से बड़े हैं। पंच परमेश्वर होते हैं। सागर के अंतर की अग्नि आंसू की एक बूंद निजानी। सागर के अंतर की अग्नि आंसू की एक बूंद निजानी। दोनों